नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और आज हमने एक सर्वे करा, उसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा, खास करके हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, जो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है मोहाली की या कहें कि पंजाब की, तो उसके बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए हैं और बहुत बच्चे आ जा रहे हैं, तो हमने यहाँ से भी पूछा और कल हमने खरड़ में जहाँ बच्चे रह रहे हैं उनसे भी पूछा कि बच्चे कहाँ रहना पसंद करते हैं, जो सीयू के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये कहा कि जी हम खरड़ में रहना पसंद करते हैं, शहर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, वहाँ खाने पीने के बहुत आउटलेट्स हैं, वहाँ घूमने फिरने को काफ़ी कुछ है, लेकिन इस गढ़ुआ गाँव के अंदर जहाँ पे यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भी बहुत सारी पीजी बने हुए हैं, यहाँ हमें बोर होते हैं, यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज नहीं है, और यहाँ हम तो चंडीगढ़ पढ़ने आए थे, गांव में थोड़ा रहने आए थे। तो जो लोग ये सोचकर यहाँ आसपास प्लॉट ले रहे हैं कि जी मैं पीजी बना लूंगा और बहुत चलेगा, बहुत रेंट आएगा, और यहाँ से लेकर करड़ के बीच में जो मेन हाईवे है टोल से पहले, कुछ लोग ऐसे भी फोन करते हैं जी वहाँ कोई मेन रोड पे जमीन दिला दो, हम पीजी बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेंटल इनकम लेना चाहते हैं। तो भाई जिन्होंने आपके पीजी में रहना है उनसे तो पूछो कि वो क्या कहाँ रहना चाहते हैं, आप उनके लिए यहाँ घर बना दो और वो यहाँ रहना ही नहीं चाहते हो तो आपका घर खाली रहेगा, किराए पे नहीं चढ़ेगा, आपका पीजी खाली रहेगा, किराए पे नहीं चढ़ेगा, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो हम क्योंकि न्यूज़ चैनल भी हैं, हम प्रॉपर्टी के लिए अपडेट्स भी करते रहते हैं। तुम्हारे साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप जी, तो आप कहाँ रहना पसंद करते हैं, घड़ुआ में या खरड़ में? सर मेरे ख्याल से खरड़ ठीक है, खरड़ में रहते हैं। जी, क्यों खरड़ में रहते हैं? क्योंकि सर ये सामने भी एक तो कॉलेज से और यहाँ ऑटो भी अच्छे मिल जाती है। अच्छा, जाने तो आप कहाँ रहना पसंद करते हैं? खरड़ में ही बेटर ऑप्शन है, और घड़ुआ में ऑप्शन अच्छी नहीं है? यहाँ पे सब कुछ एक्सेसिबल डिस्टेंस पे ही है, मार्केट जाना है तो नीचे उतर के मिल जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पास में बस स्टॉप भी है, वहाँ से फिर यहाँ पे आना अलग टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, बेटर ऑप्शन तो खरड़ी लगता है। मेरे को भी सर खरड़ी ठीक लगता है। खरड़ ठीक लगता है जी सर, ऑब्वियसली खरड़ी सर थोड़ी उधर थोड़ा बैकवर्ड इलाका थोड़ा फील होता है वो, बैकवर्ड फील होता है। हाँ ये सही है, इधर थोड़ी चीजें मिल जाती हैं जैसे भाई ने बोला ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो ये खरड़। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, खरड़ में या गढ़ुआ में? मेरे हिसाब से खरड़ में रहना पसंद करते हैं। रीजन? यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाती हैं, आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है। अच्छा। और जो भी रेंट वगैरह वो यहाँ पे रीजनेबल है हमारे स्टूडेंट प्राइस के हिसाब से। गढ़ुआ का रेंट ज्यादा है इसे? हमें आइडिया नहीं है, बराबर है पर वो है फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे, फैसिलिटीज नहीं है वहाँ ना, आपको खरड़ी पड़ेगा तो उससे अच्छा आप खरड़ी ले लो, बस स्टैंड भी पास पड़ता है तो वो सही रहता है कभी ट्रैवल वगैरह करना, कैब भी नहीं मिलती सुबह के टाइम। और यहाँ पे रेंट का चल रहा है? रेंट पे यहाँ पे 12,000-15,000 का रेंज है 2 BHK का। 2 BHK, बाकी सोसाइटीज में ज्यादा है, मॉडर्न वाली और शेयरिंग पे है। शेयरिंग शेयरिंग एक एक रूम में कितने स्टूडेंट शेयर करते हैं? दो रूम में 4 लोग शेयर करते हैं, 2 रूम में 4 लोग, 12-13 हज़ार में रेंट। जी हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, तुम्हारे से स्टूडेंट हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं आप? हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर पढ़ते हैं। तो कहाँ रहना पसंद करते हैं स्टूडेंट, गढ़ुआ में या खरड़ में? सर वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा आप कहाँ रहते हैं? हम तो खरड़ में रहते हैं सर। आप यहाँ क्यों रहते हैं, गढ़ुआ क्यों? क्योंकि सर गढ़वा में सर क्या है ना कि एक्चुअली हर चीजें मिल नहीं पाती है, जैसा हम कुछ भी खरीदना चाहते हैं हम खरड़ में क्या है सर, जो भी चीज हम ढूंढते हैं वो आसानी से मिल जाती है, जैसे जिम वगैरह मिल जाती है, खाने की चीजें सारी अवेलेबल होती है इधर। आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए हैं सर, बनारस। क्या नाम आपका? गौतम। थैंक यू गौतम जी। ओके, थैंक यू सर। जी कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आप कहाँ रहना पसंद करते हैं, गढ़ुआ में या खरड़ में? नहीं, गढ़ुआ में ठीक है, यहाँ पे खाना वाना सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, मतलब खरड़ ठीक है। हाँ खरड़ ठीक है हमारे लिए। तो मैक्सिमम जो आपके फ्रेंड हैं वो कहाँ है? खरड़ में? सारे खरड़ में ही रहते हैं, खरड़ हो गया, खानपुर हो गया, यहीं सब सारे। आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो गढ़ुआ में रहता हो? नहीं अभी तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, जो भी है सब यही यही पे खानपुर। यहाँ पे रेंट 3 BHK 20,000 और 2 BHK का 17 और 10 BHK वो एक 1 BHK का वही 10,000 रुपीज। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं और हमने बहुत जेंट्स स्टूडेंट से पूछा, कुछ अभी फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर जो है गांव है वो साथ में थे ना, तो जान पहचान के साथ में कर लिया। फ्रेंड थे आपके साथ? ये सब फ्रेंड थे, तो पहले फ्रेंड यहाँ रह रहे थे तो आपने यहाँ? हाँ, अच्छा अच्छा कौन सी स्टेट से हैं आप? हिमाचल, उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से? आप हिमाचल से? तो आप मोस्टली आप यहाँ ठीक लग रहा है आपको रहने को? साथ में फैसिलिटीज है यहाँ पे सारी की सारी kind of, तो सीयू से आना है तो ऑटो से आते हैं आप? हाँ।
थैंक यू जी। तो सर जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, शहर के अंदर या ये जो गांव करूँगा गांव है वहाँ पे? सर ऑब्वियसली सब सर ने जब पहली बार नाम सुना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सब ने ये सोचा चंडीगढ़ में होगा सिटी लाइफ एंजॉय करेंगे, तो यहाँ आके पता चला मोहाली में है, एकदम आउटस्कर्ट्स पर है चंडीगढ़। तो कहाँ से आप? मैं राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान में उदयपुर। उदयपुर से कैसे लगा यहाँ पे आपको? यहाँ पर आकर सही लगा है, यहाँ का मतलब। अभी रेंट रेंट पे रह रहे हैं अभी आप? अभी मैं पीजी में रह रहा हूँ। कहाँ पे? यहीं पे बगल में पीजी है मेरा। तो लोग बच्चे जो हैं यहाँ पे करण में पसंद करते हैं या ये कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि आस पास दुकानें वगैरह हैं और आप इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक दो दुकान है यहाँ पर। तो क्या रेंट है यहाँ पर? यहाँ पर रेंट आपको पास में ज़्यादा पड़ जाता है, रेंट दूर आपको रेंट कम पड़ता है, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह गर्मियों में बारिश वगैरह में आना पड़ता है। ज़्यादा रेंट है यहाँ पर? हाँ यहाँ पर रेंट 9-10 हज़ार के आसपास है कमरे का। कमरे का खाना वगैरह इंक्लूडेड है, कुछ एक्सक्लूडेड है। किचन नहीं है बीच में और खाना बीच में है। 9-10 हज़ार। तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो शहर में रहना पसंद करते हैं ना कि गांव में। थैंक यू सर। तो बच्चे हैं सीयू के, वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, घड़ुआ में या खरड़ में? खरड़ में। तो रेंट क्या है वहाँ पे? रेंट विदाउट फूड 3000 है। 3000 पर रूम का या पर बेड का? पर बेड। थैंक यू जी। थैंक यू। खरड़ में रहना पसंद करते हैं या घड़ुआ में? खरड़ में। क्यों करते हैं वहाँ पसंद? क्योंकि उधर मतलब कि हाउसेज है, खरीदने की दुकानें वगैरह स्टार्ट हो जाती है। रेंट क्या रहता है? रेंट रहता है 5-6। 5-6 रूम का? रूम का खाने के साथ। खाने के। थैंक यू। एक सवाल पूछ रहे थे कि जो बच्चे हैं सीयू के वो खरड़ में रहना पसंद करते हैं या घड़ुआ में? खरड़ में ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा पसंद करते हैं। रीज़न? रीज़न इसकी अगर हमें ग्रोसरीज वगैरह कुछ भी लेनी हो, मार्केट एक्सेसिबल है, सब कुछ एक्सेसिबल है, और वैसे भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑटो काम। रेंट क्या है वहाँ पे? रेंट हमारा जो है हमारा 18,000 का फ्लैट है वहाँ पे। 12,000 का। कितने रूम है? 3 रूम। 3 BHK रूम है। थैंक यू सर। सुनिधि जो बच्चे हैं सीयू के वो खरड़ में रहना पसंद करते हैं या घड़ुआ में? खरड़ में। रीज़न? रीज़न क्योंकि सब कुछ पास है, मार्केट पास है। रेंट क्या है वहाँ पे? रेंट चल रहा है वहाँ पे 16, 17, 18 अलग अलग रेट का। 3 BHK का। बेटा एक बात पूछ रहे थे, जो बच्चे हैं सीयू के वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, खरड़ में या घड़ुआ में? खरड़ में। तो खरड़ में रेंट क्या है चलता है आजकल? खरड़ में मोस्टली डिपेंड करता है कि मॉडर्न वैली या फिर 14-18। तो वहाँ पे रहने का मेन कारण क्या है? यहाँ तो पास है, पास क्यों जाते हैं? वहाँ पे मार्केट पास है और शॉप्स वगैरह बहुत सारी है। थैंक यू। बच्चे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन है कि जो बच्चे यहाँ पे रहना पसंद करते हैं खरड़ में? खरड़ में ज्यादा। रीजन? अब बस ठीक लगता है बाहर ज्यादा, मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। थैंक यू। तो ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव प्लस गाइडेंस वाली है। अगर आप पीजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीजी बना के उसको रेंट पे देना चाहते हैं, तो जिन्होंने आपके पीजी में रहना है उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको बता दिए हैं, तो आप उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए पीजी बनाएं। कहीं ये ना हो कि आप अपनी जो सेविंग करी हुई है या कहीं से पैसे कमाए हुए हैं और एक्स्ट्रा कमाई के लालच में कहीं वो ऐसी जगह फंसा दें कि बाद में आपको रोना पड़े। तो अगर आप पीजी बनाना चाहते हैं तो इनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो खरड़ है। खरड़ में भी कहाँ, जहाँ मार्केट पास हो, जहाँ पे फूड जॉइंट आस पास हो, जहाँ पे इनको पिक एंड ड्रॉप मिल जाए, क्योंकि पीछे मैक्सिमम बच्चे ऑटो से आते हैं, तो जहाँ ऑटो स्टैंड हो, तो वो लोकेशन कौन सी है वो आपने देख लेनी है। अगर आप हमें बोलोगे तो हम भी दिखा देंगे, हमारे पास भी बहुत सारी ऑप्शन हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एरिया है और जहाँ पे ये पसंद करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो पीजी आप बिल्डिंग रेंट पे लोगे या आगे रेंट पे देने के लिए बनाओगे उसमें रहना तो इन्होंने है। और आप इसके अंदर हमने आपको फेयर आइडिया भी बता दिया कि क्या रेंट एक्चुअली ये पे कर रहे हैं, 2 BHK का कितना पे कर रहे हैं, 3 का कितना पे कर रहे हैं, सिंगल बेड का बताया उन्होंने कि हम 5,000 पे करते हैं इंक्लूडिंग फूड। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को नहीं मिलती, क्योंकि वो इतना सर्वे करता ही नहीं है, तो वो तो अपने हिसाब से सोचता है कि मेरे को लगता है कि यहाँ अच्छा है, मेरे को लगता है कि ये लोकेशन बढ़िया है, बट असल में वो होती नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सपर्ट से राय ली जाए, एक्सपर्ट से गाइडेंस दी जाए, तो आपके जो फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हम अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी हम काफ़ी नॉलेज रखते हैं एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल इन्वेस्टर। तो
तो उसका आपको फायदा हो सकता है अगर आप हमारे पास आए। हमारे चार ऑफिसेज हैं, जीरकपुर में भी है, न्यू चंडीगढ़ में भी है, खरड़ के अंदर दो ऑफिसेज हैं, एक लांडन रोड के ऊपर है, एक सनी इनक्लेव के अंदर है। तो आपको अगर आप गाइडेंस चाहिए होगी तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। और जहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं बच्चे, वहाँ पे कुछ नए प्लॉट्स आए हैं जिसके ऊपर अगर आप पीजी बनाओगे तो आपका 100% चलेगा। और जो उसका प्राइस है वो 100 गज के प्लॉट का अराउंड 28 लाख रुपया है और मार्केट प्राइस वहाँ पे 35 लाख रुपये का है, यानी कि मार्केट प्राइस से आपको कम प्राइस मिल जाएगा। और जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट रहते हैं वहीं पे ही वो एक बनी हुई मार्केट के अंदर एरिया होगा, जिसके अंदर अगर आप घर बनाओगे तो आपको नक्शा पास भी मिलेगा, लोन भी मिल जाएगा घर बनाने के लिए, पीजी बनाने के लिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ठीक रहेगी। तो वो वाली ऑप्शन क्या है उसके लिए नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, ताकि हम आपको जो आपकी पीजी के हिसाब से आपने सोच रखा है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट करवा दें, ताकि आपको लंबे समय तक उसकी रेंटल इनकम आती रहे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।